नमस्कार, मैं दीदी फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास है। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों को महिला केंद्र थीम पर रखा गया है। परेड की थीम विकसित भारत, जिसमें पहली बार तीनों सेनाओं में ऑल वुमेन मार्चिंग कंटेस्टेंट भाग लेंगे। इसका लीडरशिप भी महिला अफसर के हाथों में ही है। इतना ही नहीं, परेड करने वाली सभी टुकड़ियों की लीडर महिला होंगी। इसके साथ ही BSF, CRPF और SSB की और महिला वर्कर्स 350 CCC रॉयल इन्फेंट बुलेट्स पर सवार होकर डेयर डेविल स्टंट भी दिखाएंगी। इसके साथ ही इस साल झांकियों की थीम भारत लोकतंत्र मैट्रिक पर भी रखी गई है। इस साल 16 राज्यों के साथ 9 मंत्रालयों के विभाग झांकियों प्रदर्शित करेंगी। देश की टेक्सटाइल संस्कृति को सबसे सामने लाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए भी इसका मकसद रखा गया है। इसके साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस पर 10 बातें बड़ी ही खास होने वाली हैं। चलिए जानते हैं उन 10 बातों के बारे में। इस साल 100 महिला ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर परेड का शुभारंभ भी करेंगी। महिला कलाकार अपने अपने राज्यों की वेशभूषा को विकसित करने के लिए भारत और भारत लोकतंत्र की जनानी यानी कि इंडियन मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी थीम पर शार्क ड्रामा और अन्य पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए परेड की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही पहली बार कंटेस्टेंट सभी टुकड़ियों को महिला लीड कर रही है। कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में पहली बार ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटेजेंट हिस्सा लेंगी। इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर शामिल होंगी। इसके साथ ही ट्रायल सर्विस की टुकड़ियों का नेतृत्व भी भारतीय सेना की कैप्टन शेरणे रावा करेंगी। सीमा सुरक्षा बल BSF और CISF का ऑल वुमेन मार्चिंग एंड ब्रांड ब्रास परेड पर भी शामिल होंगी। इसके साथ ही CAPFS के अलग अलग सुरक्षा बलों के ऑल वुमेन कंटेस्टेंट परेड में शामिल होना अनिवार्य है। इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली पुलिस की वुमेन परेड एंड ब्रांड कंटेस्टेंट भी भाग लेंगी। परेड में पहली बार इंडियन आर्मी का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जैसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी लीड कर रही हैं। इसके साथ ही इस बार कर्तव्य पंथ पर अंत सूत्र नाम के एक विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन में 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियां होंगी, जो विभिन्न भारतीय संस्कृति परंपराओं को दर्शाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर से 13 राज्य खास मेहमान बुलाए हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर परेड होने वाले फैंस के 95 सदस्य वाले दस्त और 83 सदस्य वाले मार्चिंग बैंड कर्तव्य पथ पर परेड करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की झांकियां AI आधारित टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होंगी। इसके साथ ही एयरफोर्स की तरफ से बेस्ट पास्ट और टेंगल फॉर्मेशन दिखाया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोनर एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। ऐसी और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।